ओम शांति। बाबा कहते कर्मयोगी बनो, जिसके लिए बाबा युक्ति बताते। कर्म करते हुए बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर हैं। सदा याद रखो कि हर कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करनी है। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण का अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करना है। हर सेकेंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाने हैं। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भाव का वरदान देना है। हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करना है। संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाना, यही कर्मयोगी स्टेज है। अर्थात बाबा हम बच्चों को कर्मयोगी बनने की सहज युक्ति बताते। अपने संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म को सफल करो, बाप की सेवा में लगा दो। कोई भी कर्म करते स्मृति रखो कि बाबा की सेवा अर्थ कर्म कर रही हूं। तो आज विशेष अमृत वेला में हम अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे मैं शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा। हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाली प्रयोगी आत्मा हूं मैं शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा। हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाली प्रयोगी आत्मा हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए शांति की अनुभूति तो करेंगे ही, साथ साथ हर कार्य में स्वतः और सहज सफलता भी प्राप्त करते रहेंगे। तो अनुभव करें मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं शांति के सागर पिता परमात्मा की आज्ञा पाकर इस देह में विश्व कल्याण अर्थ अवतरित हुई हूं। मैं अपने अनादि स्वरूप में शांति से भरपूर हूं। इस धरा पर शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा अशांत विश्व को शांति प्रदान करने
आई हूं। शांति की शक्ति आधार है हर कार्य में सफलता की। शांति की शक्ति आधार है 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने की। शांति की शक्ति आधार है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनने की। शांति की शक्ति आधार है अहिंसक बनने की, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की। स्वयं भगवान कहते हैं, अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो। उन्होंने श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है,
ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना। औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज। सफलता प्राप्त कर सकते हो सिर्फ प्रयोग करके देखो। तो अनुभव करें स्वयं को शीतला देवी स्वरूप में। देखें अपने सम्मुख एक एक दुखी आत्मा को। विश्व की एक एक अशांत भयभीत चिंतित आत्मा को। अब अपनी शुभ भावना और स्नेह की भावना की शक्तिशाली किरणें प्रवाहित करें। अनुभव करें मेरी शुभ भावना और स्नेह की भावना से। दुखी आत्माएं अशांत चिंतित भयभीत आत्माएं। Yes.
सुख शांति की अनुभूति कर निश्चिंत और निर्भीक बन रही हैं। मेरी शक्तिशाली शुभ भावनाएं, ईश्वरीय शक्ति में परिवर्तन हो एक एक आत्मा में समाती जा रही है। तो अनुभव करें मैं शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाली प्रयोगी आत्मा। मैं शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाली प्रयोगी आत्मा हूं। मैं शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाली प्रयोगी आत्मा। अब अपने आकारी देह को इमर्ज कर चलेंगे बाबा की पहाड़ियों पर। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे कदमों में पदम है।
तो अनुभव करें मैं आत्मा अपने पिता श्री की शिक्षा प्रमाण। आकारी फरिश्ता रूप लेकर बाप दादा के साथ साथ चल रही हूं। बाप दादा मेरी उंगली पकड़कर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम यहां पहली बार नहीं आए हो, कल्प कल्प तुम इसी प्रकार रूहानी यात्रा पर चलते रहे हो। देखो तुम्हारे कदमों में पदम ही पदम है। तुम जहां जहां कदम रखते हो वहां ही पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तुम्हारे कदमों से निकलती ये शक्तिशाली किरणें धरती में शीतलता की तरंगे फैला रही हैं। धरती में समाती ये शीतल तरंगे इस धरा को गहन शांति का अनुभव करा रही हैं। तुम्हारी हर एक श्वास में बसी एक शिव पिता की मधुर याद। वायुमंडल में शांति की शक्तिशाली किरणें
बिखेर रही है। विश्व की एक एक आत्मा इन शांति की किरणों को समाकर शांति की गहन अनुभूति कर रही है। अनुभव करें अपने आसपास शांति का वाइब्रेशंस को। शांति का वायुमंडल आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बाबा कहते तुम्हारी शक्तिशाली शुभ भावनाएं स्नेह की भावनाएं श्रेष्ठ कामनाएं आत्माओं को अशांति से मुक्त कराए। शीतल बना रही हैं। क्रोधी आत्माएं क्लानी करने वाली अपकारी आत्माएं शुभ भावना और स्नेह की भावना के वाइब्रेशंस पाकर स्वयं का परिवर्तन कर रही हैं।
तो अनुभव करें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं मास्टर शांति का सागर हूं। मैं आत्मा शांति धाम की वासी हूं। मैं शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाली प्रयोगी आत्मा हूं। मैं शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाली प्रयोगी आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाली प्रयोगी आत्मा हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में कल के पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।